भाईकाला स्थित रानी बाग के विस्तार की योजना पर घोटाले का ग्रहण लग सकता है। बीएमसी द्वारा अधिग्रहित दो प्राइवेट कंपनियों की जमीन पर रानी बाग का विस्तार होना है, जहां विदेशी जानवरों के लिए बाड़ा बनाया जाएगा। बीएमसी में बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि विदेशी जानवरों को लाने व उनका बाड़ा बनाने के लिए जारी टेंडर में ही 106,60,73,000 रुपये का घोटाला हुआ है। यह घोटाला ठेकेदारों, सत्ताधारी दल व बीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। मिश्रा ने इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। विनोद मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने इस घोटाले के संबंध में बीएमसी कमिश्नर, मेयर व राज्य सरकार से शिकायत की थी, लेकिन शिवसेना के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका न्यूज़।